प्रियजनों, आज हम आपको जगत पिता जगदीश श्री विष्णु जी की कथा सुनाएंगे और इनकी महिमा का वर्णन करेंगे। विष्णु जी को सारी सृष्टि का पालन करता माना जाता है। इनका चतुर्भुज रूप बड़ा ही अलौकिक है। वेदों और पुराणों में विष्णु जी की अनेकों ही कथाओं का वर्णन है। कहते हैं, जब जब धरती पर पाप बढ़ता है, विष्णु जी ही उसे मिटाने के लिए किसी न किसी रूप में अवतार लेते हैं। तो चलिए भक्तों, सुनते हैं विष्णु जी की महिमा का वर्णन और पावन कथा। भक्तजनों, भगवान विष्णु का सर्वप्रथम मत्स्य अवतार ही माना जाता है। बात उस समय की है, सत्यव्रत नामक राजा बड़े ही धर्मात्मा थे। राजा होने के साथ साथ वे महान विष्णु भक्त भी थे। एक दिन वो नदी में स्नान करके सूर्य देव को अर्घ दे रहे थे, तो उनके हाथ में एक छोटी सी मछली आ जाती है और कहती है, हे राजन, इस सागर में बहुत बड़े बड़े जीव है जो मुझे खा जाएंगे। आप मुझे सागर में न छोड़कर अपने महल में ले चलिए। राजा सत्यव्रत ने उन्हें अपने जल के लोटे में डाल लिया और महल में लेकर आ गए। रात भर में मछली का आकार इतना बढ़ गया कि लोटा छोटा पड़ गया। जब राजा सत्यव्रत ने देखा तो मछली कहने लगी, हे राजन, ये पात्र छोटा पड़ गया है, आप मुझे अब किसी बड़े पात्र में रखवाएं। तो राजा सत्यव्रत ने मछली को जल से भरे एक बड़े मटके में रखवा दिया। अगले दिन मछली का आकार इतना बढ़ गया कि मटका भी छोटा पड़ गया। मछली ने राजन से फिर पुकार करी तो उन्होंने महल में बने तालाब में मछली को छुड़वा दिया। राजन को तब बड़ा ही आश्चर्य हुआ। अगले दिन मछली का आकार इतना बढ़ गया कि तालाब भी छोटा पड़ गया। राजन समझ गए, ये कोई साधारण मछली हो ही नहीं सकती, और हाथ जोड़कर कहने लगे, हे पुण्यात्मा, आप कौन है, कृपया मुझे बतलाए। साधारण कोई मछली इतनी शीघ्र नहीं बढ़ पाए। सत्यव्रत राजा ने उनसे विनती जो है की, रूप चतुर्भुज लेकर पर पड़ गया पाप का भार, मत्स्य रूप
भक्तजनों, भगवान विष्णु ने राजा सत्यव्रत को बतलाया कि आज से ठीक 7 दिन पश्चात धरती पर प्रलय आ जाएगी। आप इससे पहले धरती के सभी जीवों और बीजों को एकत्रित करें तथा सप्त ऋषियों को लेकर हमारी भेजी हुई नौका में बैठ जाएं। हम महामत्स्य बनकर उस नौका को पार लगाएंगे और हैग्रीव नामक दानव का संहार भी करेंगे। भक्तों, जैसा विष्णु जी ने बताया था वैसा ही हुआ। ठीक 7वें दिन सारी धरती जलमग्न हो गई। राजा सत्यव्रत सप्त ऋषियों सहित सभी जीव और बीजों को लेकर नौका में सवार हो गए। विष्णु जी ने स्वयं महामत्स्य बनकर उनका उद्धार किया और हैग्रीव संहार करके फिर से धरती पर जीवों की स्थापना कर दी। कच्छप बन कर हरि ने है दूजा अवतार लिया, दैत्यों और देवों ने जब सागर मंथन है किया। कच्छप बन कर मंदराचल पर्वत को उठाया है, सागर मंथन तब ही भक्तों संभव हो पाया। कालकूट विष सबसे विष्णु ने अपना दूसरा अवतार कच्छप बनकर लिया था। जब दैत्यों और देवों ने मिलकर सागर मंथन किया तो भगवान विष्णु ने ही कच्छप बनकर मदुराचल पर्वत को अपनी पीठ पर उठाया और सागर मंथन के कार्य को संपूर्ण करवाया। भक्तजनों, सागर मंथन में सबसे पहले कालकूट नामक विष निकला, जिसे भोलेनाथ ने अपने कंठ में ग्रहण कर लिया। इसके पश्चात 14 रत्न निकले, जिनमें से अमृत भी एक था। देवता और दानव दोनों ही अमृत को पीना चाहते थे। विष्णु जी ने अपना मोहिनी रूप बनाकर दैत्यों को भ्रमित कर दिया और सारा अमृत देवताओं को पिला दिया। विष्णु जी ने तीसरा फिर तो लिया वराह अवतार, हिरण्याक्ष नामक दानव के जब बढ़ गए। विष्णु अपने तीसरे अवतार में वराह बनकर अवतरित हुए थे और उन्होंने ही
हिरण्याक्ष नामक दानव का वध किया था, जिसने धरती को ही सागर में ले जाकर छिपा दिया था। अपने वराह अवतार में भगवान विष्णु धरती को दांतों के बीच उठाकर वापस ले आए। हिरण्याक्ष का वध करके धरती पर धर्म का साम्राज्य स्थापित किया। आइए भक्तों, अब भगवान विष्णु के चौथे अवतार की महिमा जानते हैं। हिरण्याक्ष का छोटा भाई हिरण्यकश्यप नाम, विष्णु जी से प्रतिकार लेने का लिया है ठान। ब्रह्मा जी की करण तपस्या हिरण्यकश्यप आया, प्रसन्न कर लिया ब्रह्मा जी को और वरदान ये पाया। नर नारी दानव मानव मेरा वध न कोई कर पाए, ना ही मृत्यु दिन में मेरी ना ही रात में आए, ना ही भीतर मरू मैं ना मुझे मार कोई बाहर, और मार ना पाए कोई मुझे शस्त्र को चला कर। मन चाहा वरदान ब्रह्मा जी उसे दे जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सृष्टि के पालन करता ये ही माने जाते हैं। हम कथा सुनाते हैं जब बड़े पाप का भार विष्णु जी ले अवतार, जब बड़े पाप का भार विष्णु जी ले जनों। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर हिरण्यकश्यप को बड़ा ही अहंकार हो गया, क्योंकि विष्णु जी ने उनके बड़े भाई हिरण्याक्ष का वध कर दिया था। अतः उन्होंने अपने राज्य में ऐलान कर दिया कि कोई भी विष्णु की भक्ति नहीं करेगा। उन्होंने विष्णु जी का नाम ही धरा से मिटाने का निश्चय कर लिया। किंतु हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद ही विष्णु जी का महान भक्त था। अपने पिता के लाख मना करने पर भी उसने विष्णु भक्ति करना नहीं छोड़ा। अपने पिता की बात ही जब नहीं भक्त प्रहलाद है माना, हिरण्यकश्यप सोचे इसको पड़ेगा सबक सिखाना। अत्याचार अपने ही पुत्र पे उसने खूब जनों। हिरण्यकश्यप जब भक्त प्रहलाद को विष्णु भक्ति से रोक नहीं पाया, तो उन्होंने अपनी बहन होलिका को बुलाया, क्योंकि होलिका के पास एक ऐसा आंचल था कि अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। होलिका भक्त प्रहलाद को गोद में लेकर बैठ गई और हिरण्यकश्यप ने चारों ओर से आग लगवा दी। भगवान विष्णु ने ऐसा चमत्कार किया कि होलिका का आंचल भक्त प्रहलाद के ऊपर आ गया और होलिका वहीं जल गई। भक्त जनों, इसीलिए आज तक भी होलिका दहन किया जाता है। जब हिरण्यकश्यप पूछने लगे कि तुम जीवित कैसे बच गए, तो भक्त प्रहलाद ने विष्णु जी का नाम लिया और कहा कि विष्णु जी कण कण में विराजमान है,
वो भक्तों की रक्षा करने के लिए कहीं भी आ सकते हैं। हिरण्यकश्यप ने क्रोधित होकर एक खम्ब को लात मारकर गिरा दिया और कहने लगा, दिखाओ तुम्हारे भगवान विष्णु इस खम्ब में कहाँ है। जनों, हिरण्यकश्यप का वध करके भगवान विष्णु ने भक्त प्रहलाद की लाज बचाई। भक्त प्रहलाद के ही एक पुत्र हुए राजा बलि, उन्होंने अपने बाहुबल से तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। तब इंद्रदेव ने आकर विष्णु जी से विनती की, तो विष्णु जी वामन अवतार में राजा बलि के पास गए। राजा बलि बड़े ही दानी व्यक्ति थे। भगवान विष्णु ने ब्राह्मण बनकर उनसे तीन पग धरती दान में मांगी। राजा बलि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया, किंतु भगवान विष्णु ने अपने रूप को विकसित करके एक ही पग में सारी धरती को नाप दिया और दूसरे पग से अंबर को भी नाप दिया और कहने लगे, हे राजन, आपने तीन पग धरती देने का वचन दिया था, किंतु दो ही पग में धरती और आकाश नाप दिए। अब बोलो तीसरा पग मैं कहाँ रखूं? राजा बलि ने फिर तो विष्णु जी को शीश झुकाया और तीसरा पग अपने सर के ऊपर रखवाया। मिट गया है अब राजा बलि का सारा ही अहंकार। सर पे पाव रखा विष्णु जी ने तो जनों, इसके पश्चात भगवान विष्णु का छठा अवतार परशुराम ब्राह्मण के रूप में हुआ, जिन्होंने पापी क्षत्रियों के अत्याचारों का अंत किया था। भगवान परशुराम महर्षि जमदग्नि और रेणुका के संतान बनकर अवतरित हुए थे। एक बार इनकी माता का हरण एक क्षत्रिय बलपूर्वक कर ले गया। जब उनकी माता लौटकर आश्रम में आई तो ऋषि जमदग्नि ने उन्हें अपनाने से मना कर दिया।
परशुराम को अपने पिता के आदेश पर स्वयं अपनी माता की हत्या करनी पड़ी थी। फिर भगवान भोलेनाथ की तपस्या करके उन्होंने अपनी माता के प्राण फिर से लौटा लिए। भगवान भोलेनाथ ने ही उन्हें एक फरसा भी दिया, जिसको लेकर भगवान परशुराम ने सभी पापी क्षत्रियों का संहार किया था। परशुराम के रूप में प्रभु राम के रूप में हुआ था। रामायण से तो आप सभी भली भांति परिचित हैं। किस प्रकार त्रेता युग में प्रभु श्री राम ने दुष्टों का संहार करने के लिए अवतार लिया था। अपने इस अवतार में प्रभु श्री राम ने राजा दशरथ के पुत्र के रूप में जन्म लिया और जनक दुलारी माता सीता के संग विवाह किया। फिर स्वयं ही भक्तों के उद्धार और दुष्टों के संहार के लिए इन्होंने 14 वर्ष वनवास की लीला रची। 14 वर्ष वनवास प्रभु श्री राम है जब आए, माँ सीता को रावण धोखे से हर ले जाए। वानर सेना सहित राम ने लंका करी चढ़ाई, दोनों ओर से हुई है फिर तो भीषण बड़ी लड़ाई। लंका नगरी से दुष्टों का नामो निशान मिटाया और धर्म का झंडा राम ने फिर से वहां लहराया। माँ सीता को लेके अयोध्या लौट के फिर आए और विभीषण को लंका का राजा दिया बनाए। अपने प्रिय भक्तों को सदा ही गले लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, सृष्टि के पालन करता ये ही माने जाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जब बढ़े पाप का भार विष्णु जी ले अवतार, जब बढ़े पाप का भार विष्णु जी ले अवतार। भक्त जनों, श्री हरि विष्णु जी का 8वां अवतार द्वापर युग में श्री कृष्ण के रूप में हुआ। अपने इस जन्म में भगवान विष्णु वासुदेव और देवकी की संतान बनकर जन्मे। इन्होंने अपनी बाल्यावस्था में ही अनेकों मनमोहक लीलाएं दिखाई। पूतना सहित अनेकों राक्षसों का वध किया, ग्वाला बनकर गायें चराई, राधा रानी संग रास रचाया और इंद्रदेव के अहंकार को मिटाने के लिए गोवर्धन को भी उंगली पर उठाया। इसके पश्चात मथुरा में आकर मामा कंस का वध किया और श्री कृष्ण द्वारिकाधीश बन गए। श्री कृष्ण के रूप में जब है विष्णु जी आए,
भक्त जनों, अपने नौवें अवतार में विष्णु जी ने गौतम बुद्ध के रूप में अवतार लिया था। अपने इस जीवन में उन्होंने अनेक स्थानों पर घूम घूम कर धर्म का प्रचार किया था और जीवन के वास्तविक मूल्य को समझाया था। गौतम बुद्ध के रूप में लिया है इन्होंने फिर अवतार, चारों ओर ही घूम घूम कर किया धर्म प्रचार, कठिन तपस्या करके सच्चाई को खोज लिया है और जीवन के वास्तविक मूल्य को भी समझ लिया है। वेदों में ये भक्तों पहले से ही वर्णन है, कल के रूप में इनका बाकी होना अवतरण है। विष्णु जी की पावन कथा जो हमने सुनाई, वेदों में भी वर्णित भक्तों ये जाति है पाई। फौजी सुरेश जो लिखता विष्णु जी लिखवाते हैं,